की बात में पीएम मोदी ने एक बात का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि चीतों का नामकरण अगर पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं आखिर इंसानों को जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारी मौलिक जिम्मेदारी में भी जानवरों के प्रति आदर दर्शाया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए MyGOV के प्लेटफॉर्म पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें साझा करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो अभियान हम चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए ये आप बताएं। क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस किस नाम से बुलाया जाए, ये भी आपको बताना है। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा। साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अहम घोषणा की। पीएम मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी। बात यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलिए आगे बढ़ेंगे उज्जैन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह करेंगे महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण। सभी मंत्रियों के साथ यहां निरीक्षण करेंगे सीएम। 27 सितंबर को उज्जैन में हो सकती है कैबिनेट की बैठक भी। महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के पहले उज्जैन में बैठक करके तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा और बैठक की तैयारी भी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर आपको बता दें निरीक्षण करेंगे। सभी मंत्री उनके साथ, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कि उज्जैन से जो बड़ी खबर आ रही है, महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के पहले उज्जैन में ये बैठक करेंगे। तो प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि किसी भी तरह की कोई कमी तो यहाँ पर नहीं रह गई है। महाकाल कॉरिडोर का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे सीएम। सभी मंत्रियों के साथ वो यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। 27 सितंबर को उज्जैन में कैबिनेट